नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 5 रुपए में भर पेट खाना, वो भी तब जब महंगाई अपने चरम पर है। सुनकर यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। मुंबई में MBA के कुछ छात्रों ने 5 रुपए में दाल चावल बेचना शुरू किया है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए कि महंगाई के इस दौर में भी मात्र 5 रुपए में पेट भर खाना मुमकिन है। मुंबई का वड़ा पाव जहां कुछ लोगों का शौक है, तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसी व्यंजन है जिसकी कीमत उसे आकर्षित बनाती है। आखिरकार आज के जमाने में ऐसा और क्या है जो कि केवल 5 रुपए में भूख मिटा सकती है? शायद आपको इस सवाल का जवाब चौंका दे। मुंबई में कुछ MBA छात्रों ने बस इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए एक ऐसी मुहिम शुरू की है जिसमें वो बेच रहे हैं दाल चावल की एक प्लेट केवल 5 रुपयों में। तो हमने फिर सोचा कि क्यों ना कुछ करें कि 5 रुपए में अगर हम किसी को खाना खिला दे तो काफी, जो इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है उनकी एक काफी छोटी सी ये प्रॉब्लम जो खाने की होती है कि रोज घूमना फिरना है, खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो वो हम प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकते हैं। इस खाने का स्वाद और इसकी कीमत का आकर्षण इस भीड़ से लगाया जा सकता है। लोगों का ये मानना है कि फास्ट फूड के मुकाबले ऐसा खाना जहां उनकी जेब पर कम भारी पड़ेगा, वहीं साथ ही उनके सेहत के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प साबित होगा। बहुत सस्ता खाली खाली एक नाम के लिए 5 रुपया, बाकी खाने की कीमत 5 रुपए नहीं है, एक खाली नाम के लिए है, पब्लिक को एंटरटेनमेंट करने के लिए, यही समझिए कि एक मदद है। होटल में किधर भी जाओगे तो 30-35 रुपए के सिवा खाना नहीं मिलता, ये 5 रुपए में खाना मिल रहा है, ये बढ़िया काम है। MBA छात्रों द्वारा चलाया जा रहा ये फूड कैंप कुछ ही दिनों के लिए चलाया जा रहा है और वो इसे अपना कोई बिजनेस नहीं बनाना चाहते, मगर नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलाई जा रहे इस कैंप से शायद लाखों लोगों के भूख मिटाने का जवाब मिल सकता है। अविनाश मिश्रा, जी बिजनेस, मुंबई।